नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि मेरी वीडियोस को इतने सारे लोगों ने देखा और मेरे साथ तकरीबन 32,000 से ऊपर लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारी वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की फर्स्ट क्लास है जो कि हम ऑनलाइन दे रहे हैं सुबह के 6:30 बजे। और मेरे पास दो लोग जुड़ रहे हैं, एक जुड़ रहे हैं कनाडा से और एक जुड़ रहे हैं हमारा ऑस्ट्रेलिया से। और ये फर्स्ट क्लास है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की और ये ऑनलाइन जूम ऐप के थ्रू ली जा रही है। तो देखिए कैसे हम स्टार्ट करते हैं वीवीए बेसिक से, शुरू से। और आपको भी क्लास को ज्वाइन करना है तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके कोर्स को इनरोल कर सकते हैं या फिर डेमो क्लासेस को ले सकते हैं। तो वेट एंड वॉच। तो आशीष जी और रुपिंदर यादव जी, ये हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग मीडियम है जिसमें आप हमारी क्लासेस ले रहे हैं। हमें लाइव हमारे कंप्यूटर स्क्रीन को आप देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और मैं आपको भी सुन पा रहा हूँ। ठीक है। एक क्लासेस इसी तरह से कंडक्ट होती है डेली बेसिस पे और साथ में आप इस सेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस सेशन के लिए आपको अलाउ कर दिया रिकॉर्डिंग, अब आप अल्ट प्लस आर प्रेस करके अपने सेशन को रिकॉर्ड कर सकते ऑल्ट प्लस आर, हो। हाँ, अल्ट प्लस आर। ऑल्ट ओके के हाँ, साथ आर। तो सेशन रिकॉर्ड हो गया। तो रिकॉर्डिंग से, एक तो मैं भी इस चीज को रिकॉर्ड करता ही हूं तो मेरी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लेट ड्राइव में जाती है, लेकिन जो आप रिकॉर्ड करेंगे वो आपको उसी समय आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, ये सेव कहाँ पे होगी? डाउनलोड्स में, वो आपको माई डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा जब माई डॉक्यूमेंट। आफ्टर दी क्लास वो कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके सेव कर देगा। ओके, जब यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे। हाँ, तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। मैं जानना चाहूंगा रुपिंदर यादव जी एंड आशीष जी, वीवीए की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? क्यों वीवीए सीखना चाहते हैं? यूज क्या है, मतलब किस पर्पस जान लेंगे तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग दूंगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सर, मेरे को मेरा पर्पस है कि मेरा मोस्टली काम जो है वो एक्सेल में है, हाँ तो और काफी कई बार ऐसे रिपीटेटिव टास्क होते हैं कि आपने रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट करना है, ईमेल सेंड करनी है काफी जगह पे, ऑटोमेट करने की जरूरत, मतलब वहाँ लगता है कि ऑटोमेट किया जा सकता है क्योंकि रिपीटेटिव टास्क है और काफी मैनुअल प्रोसेस है। और आशीष जी, नहीं, आशीष जी ही बता रहे थे। हाँ अच्छा, रुपिंदर जी बोले, आवाज से पता नहीं चल रहा सर। नहीं, ये आशीष जी बोल रहे थे, मैं रुपिंदर बोल रहा हूँ। हाँ बोल। सो जो आशीष जी ने बोला, सेम काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट मेरी है। माय मेजोरिटी ऑफ द वर्क्स इज ऑन एक्सेल, ठीक है। एंड मुझे इनफैक्ट मुझे खुद भी कुछ इतना नहीं करना होता है, मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स वो मेरे पास काफी बड़ी टीम है जो करती है। बट मुझे कई बार उनकी रिपोर्टें देख के लगता है कि हाँ, ये और अच्छी बेटर ऑटोमेटेड रिपोर्ट हो सकती है, तो ओके मैं okay. उस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहता तो हूँ। चलिए अब आपका हो गया। अब मैं बताता हूं कि मैं जो बीबी माइक्रो प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूं उसका पर्पस क्या है और क्या उसके स्ट्रक्चर्स हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानिए कि वीवीए विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे सी सी प्लस प्लस जावा जैसे लैंग्वेज है, ऐसे लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज किस में परफॉर्म करती है? तो आपके एमएस ऑफिस की एप्लीकेशन। एमएस ऑफिस की एप्लीकेशन मतलब कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एम आउटलुक, पावर पॉइंट जैसे एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया। अब क्यों दिया है इसको, माइक्रोसॉफ्ट का पर्पस क्या है देने का? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बहुत सारे कमांड दिए हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ये दावा नहीं कर सकती है कि ये सारे कमांड हर किसी के लिए मतलब कि काफी है यूज करने के लिए, सफिशियंट है। तो उन्होंने बीवीए लैंग्वेज दे दिया कि अगर इनके अलावा भी कुछ ऐसी चीज आ जाती है जो कि मेरे मेरे पास नहीं है, मेरे एप्लीकेशन में नहीं है, तो आप उसको डेवलप कर सकते हैं, समझ गए? तो माइक्रोसॉफ्ट का मेन फोकस ये है। बट हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं? हम लोग इसको दो सिचुएशन में यूज करते हैं। पहला हमारा होता है रिपीटेड वर्क और दूसरा होता है लेंथी वर्क।
रिपीटेड वर्क एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे अभी आपको जो मैंने मेल किया है ना, तो मेल करने के लिए हमें कोई ये नहीं करना पड़ा है, मतलब कि जीमेल लॉगिन नहीं करना पड़ा है। हमने आपका, मेरे पास आपका पूरा डेटा था, मैंने आपकी ईमेल आईडी के सामने यहाँ पे ईमेल ए डाल दिया, क्या बोलते हैं लिंक को डाल दिया, मेल पे सिलेक्ट किया और एक मैक्रो जो कि मैंने बना रखा है मेल के नाम से, बस मैंने उसको रन कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो बैकएंड में गया, जीमेल को खोला और लॉगिन किया और आपको भेज दिया। अब ऐसा नहीं है कि हर काम के लिए किया जा सकता। मान लें आपके पास एक रिपोर्ट आया जिससे समरी निकालना, वो पिवट टेबल से आप आसानी से एक मिनट में निकाल सकते हो, या फिर चलिए आपको आधा घंटा ही लगा, तो आप उसके लिए मैक्रो डिजाइन नहीं कर सकते। हो सकता है कि मैक्रो डिजाइन करने जाओ तो आपको जो है वो 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा लग जाएगा, क्योंकि कोडिंग लिखने में टाइम लगता है ना सर। एक एक कोडिंग को लिखना पड़ता है, उसको प्रूफ रीड करना पड़ता है, टेस्टिंग करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है इसलिए। लेकिन मान लीजिए कि लेकिन होता है क्या है कि आपके पास एक ऐसा काम आया है जो कि एक ही बार आया है, रिपीटेड नहीं है, फर्स्ट टाइम, और इन फ्यूचर में आने की उम्मीद में आपके बराबर, समझ गए? ठीक है। तो वैसे काम को वीवी में कैसे करोगे? जैसे एग्जांपल मैं गूगल खोलता हूँ, मैंने यहाँ पे मान ली सर्च कर लिया एट पोस्टिंग साइट लिस्ट, और मेरे पास ये लिस्ट आ गया। और मैंने इस लिस्ट को यहां से कॉपी किया। मान लीजिए ऐसे मेरे पास 1000 लिस्ट है और मैंने एक्सेल के एक सीट में इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम इज दैट कि लिस्ट तो हमने बना ले लिया, लेकिन लिस्ट जो है वेबसाइट का वो तो ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इसमें जो URL है वो URL काफी नहीं है, इट बाय क्लासिफाइड, .com है, .in है, .क्या है पता नहीं है ना। तो मुझे इसकी URL चाहिए, मतलब कि हाइपरलिंक चाहिए। तो अब मैं मैनुअली करने जाऊंगा तो कैसे करना पड़ेगा कि मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, एडिट हाइपरलिंक में जाऊंगा और फिर इसका लिंक को कॉपी करके इसके सामने पेश करूंगा। सर अभी चलिए आपके पास 10-20 सवाल है, चलो आप 10-15 मिनट में कर लोगे, लेकिन अगर 1,000, 10,000, 20,000, 50,000 लाख हुए तो इसके लिए तो दिन महीना लग जाएंगे ना। बहुत करो तो पूरे 8 घंटे बाद मुश्किल से 1,000 करोगे, इससे ज्यादा कैपेसिटी में नहीं है आपको कि आप कर पाओगे मैनुअल। बिल्कुल। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने बस गए वीवीए के किसी मॉड्यूल्स में, इसी मॉड्यूल्स को मैंने पकड़ लिया, पकड़ के यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन इसका नाम या URL एंड एजर। अभी क्या है इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, मैं यूज बता रहा हूँ, ठीक है ना। इन डॉट हाइपरलिंक इक्वल URL हो गया सर। बिल्कुल, हाँ जी, सिंपल। तो हम इसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान रखें, हम VVA का इस्तेमाल दो केसेस में के लिए, लेंथी वर्क एंड रिपीटेड वर्क, लेकिन किसके लिए? देखिए मेरा जैसे कि शुरू से ही मोटिव रहा है कि VVA इज द लास्ट ऑप्शन, नॉट अ फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका रीजन बताता हूं, आपकी VVA फाइल सेव होती है माइक्रो एनेबल वर्कबुक डॉट XLSM, ठीक है।
लेकिन जनरली हम लोग फाइल किसमें सेव करते हैं, एक्सेलस एक्स। तो आपको फाइल का एक्सटेंशन बदलना पड़ेगा पहली चीज। दूसरी कि हर किसी का माइक्रो सिक्योरिटी डिसेबल होता है। जैसे कि आपने अगर इसको अनेबल नहीं किया है, जब भी आप माइक्रो खोलोगे तो आपसे हमेशा पूछेगा कि अनेबल माइक्रो सिक्योरिटी वार्निंग दे। अब प्रॉब्लम है कि इसको पता होगा तो कर लेगा, जिसको पता नहीं होगा वो तो बोलेगा फाइल में दिक्कत है क्या। तो आप अगर कोई फाइल ऐसे फाइल में माइक्रो लगाते हो जो कि काफी लोगों को इसे जाती है, प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको हर चीज बताना पड़ेगा कि सर माइक्रो परफॉर्म तभी करेगा जब आप अनेबल करेंगे, एक अलग से सरदर्दी हो गई, राइट। दूसरी चीज क्या होता है कि माइक्रो सर सपोर्ट करता है एप्लीकेशन को, वेब एप्लीकेशन को नहीं। जैसे कि ऑफिस 365 इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल सीट इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेल व्यूअर इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे आपकी माइक्रो परफॉर्म नहीं करती। जैसे कि आपने किसी को मेल किया, मान अपना रिपोर्ट बनाया और मेल किया अपने बॉस को, और अधिकतर बॉस मोबाइल फोन भी आपकी रिपोर्ट देखते हैं सिस्टम पे, आई थिंक क्योंकि मोस्टली लोग ट्रेवल में रहते हैं। सेलफोन पे आपका माइक्रो परफॉर्म नहीं करेगा, समझ गए, ठीक है। तो वीवीए लास्ट, तो आप ऐसे फाइल पे वीवीए लगाने से अवॉइड करो जो फाइल ट्रेवल करेगी, ताकि कई सारे लोगों के पास जाएगी, समझ गए। लेकिन अगर आप अपने लिए यूज कर रहे हो, जैसे आप रिपोर्ट बना के उसको पेस्ट कॉपी मतलब की पेस्ट एज वैल्यू करके या कॉपी करके उसको भेजते हो, तो आप जितना मर्जी उतना यूज कर सकते, ठीक है। तो दो तरीके, दो आपने दो व्यू देख लिया माइक्रो यूजर्स के। क्या सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सॉरी सर, तो यहां पे हम एक डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि माइक्रो जो है वो अलग है और वीवी अलग है। माइक्रो को समझते हो रिकॉर्डिंग या जो माइक्रो बनाते हो, और वीवीए बोलते हैं जो हम कोडिंग करते हैं। ये चीज को पहले क्लियर कीजिए, बोथ आर द सेम। रिकॉर्डिंग ऐसी आप माइक्रो वीवीए के थ्रू भी माइक्रो ही डिजाइन करो। रिकॉर्डिंग माइक्रो क्या है? रिकॉर्डिंग माइक्रो एक ऐसा फीचर है जो आप ऑन कर देते हो तो आप जो भी एक्शन करते हो सिस्टम में उसको एज ए कोड में कन्वर्ट करके, मैं खुद से वो कोड राइट करते हो, समझे। और आप विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में जाके आप खुद से भी माइक्रो क्रिएट कर सकते हो, लिख सकते हो, तो खुद से भी लिख सकते हैं और सिस्टम भी आपको लिख के दे देगा। ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप भी लिखोगे तो उसी लैंग्वेज में लिखोगे और रिकॉर्ड मैक्रो होगा तो उसी लैंग्वेज में। तो सर मैक्रो क्या हुआ? मैक्रो एक तरीके मैक्रो देखिए वीवीए के थ्रू हम बनाते हैं क्या क्या, हम वीवीए के थ्रू भी मैक्रोज ही बनाते हैं। ओके, हमने क्या बोला ना कि आप रिकॉर्ड मैक्रो करते हो तो वो भी आपको माइक्रो सिस्टम माने कि एक्सेल में फीचर डाला हुआ है, एक बैठा हुआ है, खुद ब खुद रिकॉर्ड कर देता है, एक आपको खुद से करना पड़ता है, समझे। तो जो रिकॉर्ड करता है वो डायनेमिक नहीं करता है, रिपीटेशन नहीं डालता है, कंडीशंस नहीं डालते हैं। जब खुद से करोगे तो बहुत सारे कर सकते हो, ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज हम लर्निंग पर्पज से कर सकते हैं या छोटी मोटी हेल्प लेने के लिए पर्पज से कर सकते हैं, हम प्रोफेशनली यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत सारे चीज नहीं करता है। अरे समझिए ना कि 98% काम नहीं करता, बस 2% काम करता है, समझ गए सर, ठीक है। हम वीवी के थ्रू माइक्रो बनाते हैं, हम फंक्शंस बनाते हैं और बनाते हैं इंटरफेस, मतलब कि यूजर फॉर्म। अब तीनों के बारे में समझ लीजिए। माइक्रो, माइक्रो को हम ऑटो पायलट कह सकते हैं,
ऑटो पायलट मतलब कि जो भी मान लीजिए कि प्रोग्रामर ने एक जो भी एक आदेश को एक आदेश की एक श्रृंखला बना दिया है, इंडक्शन की एक सीक्वेंस बना दिया है, उस सीक्वेंस को फॉलो करके ऑटो पायलट प्लेन को फ्लाई करता है। उसी तरीके से आपने जो मतलब कि जो भी इंटरसेप्शन से जो भी कोडिंग आपने सिक्वेंसली कर दिया है एक्सेल के लिए, उसी कोडिंग को फॉलो करते हुए आपका रिपोर्ट बना दे। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया मेल का, तो मैंने दे रखा है कि भाई पहले जीमेल को जीमेल क्रोम खोलो, जीमेल लॉगिन करो, आईडी डालो, पासवर्ड डालो, कंपोज करो, मेल आईडी डालो, सब्जेक्ट डालो। तो जैसे जैसे मैंने उसको दिए हुए हैं इंडक्शन, उसे जो डाल के सेंड कर देता है। तो उसमें हम मैनुअल करते हैं वही काम वो भी करता है, जिस प्रोसेस से हम करते हैं उस प्रोसेस से वो भी करता है, बट हमसे 1000 times फास्ट होता है। समझ गए? तो आप जो रिपोर्ट बनाते हो जिस प्रोसेस से जिस स्टेप से बनाते हो, उस स्टेप को कोडिंग के जरिए आप डाल दीजिए, वो कोडिंग को एक्सेल अंडरस्टैंड करेगा और उसी चीज को करते हुए जाएगा, आपसे 1000 times फास्ट करके काम को रख देगा। तो इस तरह से हम ऑटो पायलट से मिल सकते हैं। फंक्शन कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको URL का एक फंक्शन बनाया, तो उसमें क्या होता है तो क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी फंक्शंस है, तो उस फंक्शन का इस्तेमाल तो जैसे बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन है जिसके लिए फॉर्मूला नहीं है, तो आप कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो, खुद से उसकी फॉर्मूला बना सकते हो एक्सेल के लिए, वीवीए सपोर्ट के लिए। मान लीजिए आपको एक ऐसी एक कैलकुलेशन है जिसको आप एक माइक्रो के अंदर में 20 times करनी है, तो उसकी कोडिंग मान लीजिए अगर 10 lines की है, तो 10 lines की कोडिंग आपको 20 times करना पड़ेगा, हम फंक्शन में डाल के फंक्शन को कॉल करें। तो फंक्शन मतलब कि हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं एक्सेल के लिए एंड वीवीए के लिए। एंड सेकेंड थिंग आता है यूजर फॉर्म, इसको बोलते हैं इंटरफेस। यहाँ इस तरह का आप देखते हैं पॉपअप, चाहे आप रिकॉर्ड माइक्रो करते थे जो पॉपअप आ रहा है, तो इस तरह के पॉपअप क्रिएट करने के लिए, ताकि आप इंटरफेस मतलब कि आप चाहते हो, जैसे मान लीजिए ना कि अगर क्रिएट पिवट टेबल क्रिएट करने का अगर माइक्रो के थ्रू होता, ये पॉपअप नहीं होता, तो क्या होता, कितने सारे माइक्रो बनाने पड़ते कि पहले हम माइक्रो बनाते जो कि डेटा टेबल से न्यू वर्कशीट पे करता, फिर बनाते डेटा टेबल से ओल्ड वर्कशीट पे, फिर हम एक्सटर्नल सोर्स के लिए अलग बनाते, तो अलग अलग माइक्रो जो होता, कन्फ्यूजन होती काफी। तो इन सबों को इसने एक एक फॉर्म में डाल दिया और बोला कि आप जैसा इनपुट करेंगे, जैसे ओके करेंगे, तो ओके के जो चेक करेगा, जैसे जैसे उसको इनपुट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम को फॉलो कर देगा। इस तरह के इन बोलिए बट सर बैकएंड पे तो इसका कुछ कोड तो डिफाइन करना पड़ेगा ना? कोड तो डिफाइन करेगा, ये तो इंटरफेस के लिए बोले ना आपको मैंने, कोडिंग सब में की जाएगी, फंक्शन में भी, मैक्रो में भी और यूजर फॉर्म में भी, सब में सेम कोडिंग होगी, लैंग्वेज आपका सेम होगा। जैसे इंग्लिश की स्टोरी, इंग्लिश की न्यूज, इंग्लिश की बुक, इंग्लिश की पोएट्री, लिखने का स्टाइल, पढ़ने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल अलग होता है, बट लैंग्वेज तो एक ही होती है ना। सेम तरीके से यहाँ भी, चाहे फंक्शन ले लीजिए, चाहे मैक्रो ले लीजिए, चाहे यूजर फॉर्म ले लीजिए, आपका इंटरफेस अलग अलग हो जाता है, बट लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एक ही। समझ गए? और इसको मैं लैंग्वेज की तरह पढ़ाऊंगा, ना कि प्रोग्रामिंग की। आप हम जैसे हम इंग्लिश सीखने गए थे, तो इंग्लिश सीखते समय जिन जिन चीजों पे पार्ट ऑफ स्पीच को देखा था, हमने नाउन को देखा, पारे के द्वार बढ़ जाना था, तो उसी तरह से हम कंपेयरिंग बताएंगे कि भाई नाउन इस तरह से होता है, जो नाउन के यूज है ऐसे यहाँ पे और का यूज है, तो आपको समझने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि आपकी बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग नहीं है, इसलिए इस मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा। समझ गए सर? सॉरी सर, किस मेथड से समझेंगे? लैंग्वेज की मेथड से। ओके, जैसे लैंग्वेज में आप अगर एक मान क्या है, इस तो समझिए, लेकिन आप अपनी बात एक्सेल को बोल रहे हैं,
ठीक है, तो एक्सेल को बोल रहे हो तो एक्सेल को कैसे बोलोगे उसका एक, जैसे आप मान लीजिए कि अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ आपको इंग्लिश से बोलना होगा, तो इंग्लिश से बोलने के लिए मैं ध्यान रखूंगा ना कि पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करूं, कि पहले मैं नाउन आना चाहिए, देन वर्ब, देन एडवर्ब, क्या? बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि जब आप अपने इसको वीवी को जब अपनी बात बोलोगे कि अपना आदेश दोगे, तो आदेश का पहला वर्ड क्या होना चाहिए, उस वर्ड के साथ क्या लगना और लगना चाहिए, ये जो नियम कानून है ये आपको मैं बता दूंगा तो आपको इजी होगा सीखना। राइट, तो आपकी बैकग्राउंड अगर प्रोग्रामिंग ना भी है फिर भी आप इसको इजीली सीख जाएंगे, क्योंकि एक लैंग्वेज ही तो है क्या, जैसे फ्रेंच है, जर्मन है, ऐसे भी एक लैंग्वेज है, समझ गए सर? बिल्कुल सर, आपकी थोड़ी बीच में आवाज कट जाती है, थोड़ा सा गैप आ जाता है। हाँ, तो अभी थोड़ी सी मैं चुप हो गया था इसलिए, सुबह का टाइम है ना, स्टाफ आ रखे हैं सारे, आज चौक गया ना कि सबसे पहले मैं ही आ गया हूँ। तो ठीक है, तो इस समझ में आ गया। अब बात होती है प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग, कि इस लर्निंग के लिए क्या प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आपको एक्सेल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक डेटा लिया, अब मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना है, पूरा डेटा सिलेक्ट, आप लोग क्या करोगे, कंट्रोल ए कर दोगे, ठीक है सर? ठीक है, राइट। लेकिन वीवीए में थोड़ी लिख बोलोगे कि कंट्रोल ए करो, वीवीए में तो इसका कमांड देना पड़ेगा ना, जैसे कंट्रोल सी के लिए कॉपी होता है, कंट्रोल वी के लिए पेस्ट होता है, तो हर शॉर्टकट के पीछे एक उसका मेनू बार में एक कमांड होता है, तो वीवीए शॉर्टकट को फॉलो नहीं करता, वीवीए फॉलो करता है किसको, उस कमांड, तो कंट्रोल ए के कमांड क्या है बताए? नहीं सर, यही तो दिक्कत है, तो कैसे लिखोगे आप, और बिना सिलेक्शन को लग रहा है आपको कि काम कर पाओगे सर? तभी तो ज्वाइन कर रहे हैं, वो तो सही है, लेकिन वही तो प्रॉब्लम है कि आप जब तक एक्सेल के फीचर्स के बारे में नहीं जानोगे उसकी कोडिंग कैसे लिखोगे आप, समझे ना, उसको याद कैसे रखोगे आप, तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा संस्कृत की श्लोक की तरह, मतलब समझो ना समझो लेकिन रट्टा मार लो, कि कपूर गौरम करुणा बतारम संसार सारा मुझे मैंने नहीं बताया, लेकिन हाँ हमने रट्टा मार रखा है किसी क्लास से। ये इसलिए बोल रहा हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे फाइंड एंड यहाँ पे होता है गो टू स्पेशल, इसमें होता है करेंट रीजन, करेंट रीजन से आपका पूरा डेटा सिलेक्ट होता है, समझा? ऐसे आपको विजुअल सेल्स ओनली सिलेक्ट करना है तो यहाँ विजुअल सेल्स ओनली होता है, इसके लिए जब आप फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके डेटा को कॉपी करते हैं, तो पीछे का डेटा कॉपी ना हो इसके लिए विजुअल सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हां जी। तब इसकी कोडिंग पढ़ाने के लिए मुझे पहले एच ही तो पढ़ाना पड़ेगा ना आपको? बिल्कुल जी बिल्कुल, उसी तरीके से आपको मतलब कि कोडिंग तभी तो आप मेमोराइज कर पाओगे कि भाई इसकी कोडिंग क्या होगी, तो विजुअल सेल्स ओनली होगा, तो विजुअल सेल्स से आप निकाल सकते हो। तो एक्सेल की नॉलेज आपकी होनी चाहिए, कौन सा टॉपिक किस फीचर को अप्लाई होता है, ताकि उस फीचर की कोडिंग कर सको आप, समझ गए? ठीक है सर। हाँ, तो इसलिए एक्सेल की नॉलेज आपको मैं बोल रहा हूँ कि होनी चाहिए। दूसरा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, मैथमेटिक्स पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि पहले तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत होता है इसमें, दूसरा कि मैथमेटिक्स से अभी क्या है कि आपका पढ़ने की आदत तो छूट गई होगी, कितने साल हो गए कॉलेज छोड़े हुए? सर मुझे 11 साल हो गए। आप सोचिए 11 साल हो चुके हैं, एक बुक लेकर पढ़ने बैठे हैं तो मुझे लग रहा है कि आधे घंटे से पहले नींद जरूर आ जाएगी, क्या बोल रहे हैं?
बिल्कुल सर, इसलिए मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस है ताकि आपकी माइंड वापस रीसेट होगा लर्निंग के तरफ, समझ गए? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको अभी वीडियो भेज रहा हूँ, ये वीडियो है आपका लेवल 2 नाम का वीडियो, जो कि तकरीबन 5 घंटे के आसपास का है। इसमें मैंने बता रखा है वीवीए प्रिपरेशन ऑफ द वीवीए, मतलब कि वीवीए सीखने से पहले जितनी एक्सेल आपको आनी चाहिए उसके बारे में, समझ गए? वीवीए से पहले जो एक्सेल का पार्ट आना चाहिए। हाँ, मतलब कि अब मुझे नहीं पता ना आपको कितना एक्सेल आता है, क्या आता है क्या नहीं आता है। नहीं नहीं, एग्री एग्री एग्री, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्या मुझे इसके बारे में थोड़ा भी नॉलेज तो नहीं ना है कि आपके एक्सेल में क्या आता है क्या नहीं आता है? तो मुझे इसलिए हम आपको रिकॉर्डिंग भेजते हैं, इसमें से आपको अगर जो आता है वो ठीक है, जो नहीं आता है उसको दोबारा से देखते हैं, समझ गया सर? आपकी मेल आईडी क्या है रुपेंद्र जी? हाँ जी, यही है रुपेंद्र भाई, ROO ये याहू वाली। हाँ जी, याहू वाली। चलिए, मैंने आपको मेल कर दिया, इसको आप देख लीजिए, ठीक है? ठीक है जी, इसको आप देखिए, आप इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा वीडियो आप देखें, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उतने पार्ट को देखें जितना पार्ट, जो चीज नहीं आता है उसको एक बार जरूर देखें। नहीं सर, बिल्कुल।